ओम शांति जब लक्ष्य में दृढ़ता होती है तब मनुष्य के कदम स्वतः ही तेज चलते हैं ये सत्य है कि जिस मनुष्य के पास लक्ष्य दृढ़ है जिसके अंदर अपने महान लक्ष्य को पाने की श्रेष्ठ इच्छा है ऐसा कहें इच्छा शक्ति है उसे उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई भी बाधा रोक नहीं सकती इसे ही बाबा कहते हैं कि इस लगन के आगे सभी विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं अगर विघ्न है अगर विघ्न आत्मा को रोकते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि लगन की कमी है तो इस भट्टी में हम इस तरह स्वचिंतन की ओर बढ़ेंगे अपने चिंतन को महान बनाएंगे और विशेष रूप से जैसा हमने कहा इस संगम युग जीवन में सदा ही ईश्वरीय मिलन का सुख हमें प्राप्त होता रहे जिसको हम दो युग से बुलाते रहे जिसकी हमें लंबे समय से बहुत अधिक इंतजार थी जिससे मिलने के लिए हम सब कुछ त्याग करना चाहते थे जिसको देखने के बाद हम सोचा करते थे और कुछ देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहेगी अब वो बाबा हमारे सम्मुख है तो हम क्या करें जो हमारा जीवन निरंतर उसके साथ बीते हम योग को अब इस तरह डिफाइन करें कि योग अर्थात भगवान के साथ रहना मनुष्यों के साथ हम रहे दो युग पहले दो युग हमने देवताओं के साथ रहने का अनुभव किया परंतु अब संगम युग है भगवान के साथ रहने का अनुभव करने का तो हम जरा अंतर्मुखी हो जाएं, ऐसा श्रेष्ठ अवसर हमारे पास बड़े भाग्य से आया है हमारे द्वार पर आ गया है भगवान हमारा मेहमान बनकर आ गया है वो जिससे मिलने की तड़फन रात दिन हमारे चित्त में समाई रहती थी वह अब हमारे सम्मुख उपस्थित हो गया है तो आओ हम सभी उसके साथ रहें हम ये भी जानते हैं कि इस जीवन के अंत के साथ ये भगवान का साथ ये उसका मिलन भी समाप्त हो जाएगा और जीवन के अंत का तो किसी को पता नहीं कब ये जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाए तो हम ये सोचकर कि अब ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है और इस श्रेष्ठ समय को हम ईश्वरीय मिलन के क्षणों में सफल करें ऐसा विचार करके अपने को अंतर्मुखी करें और इस मिलन की ओर चलें सारा संसार साधनों के पीछे भटक रहा है उलझ गया है सारा संसार समस्याओं में बाधाओं में घरेलू झगड़ों में संबंधों की कड़वाहट में मानसिक तनाव में बढ़ते हुए रोगों में चारों तरफ समस्याओं से घिरा हुआ मनुष्य ये नहीं सोच पा रहा है कि आखिर इसकी समाप्ति कब और कैसे होगी कभी वो राजनीतिज्ञों की ओर प्यासी नजरों से देखता है कभी वो गुरु और भक्ति की ओर आस लगा कर निहारता है परंतु जहां भी वह देखता है उसे निराशा ही नजर आती है हमारे हाथ में अब समाधान आया है स्वयं भगवान आया है बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए भगवान तुम्हारा होकर तुम्हारे पास आया है बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं कि जरा अपनी तकदीर को देखो भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है भगवान हमारी मुट्ठी में हो तो हमें क्या करना चाहिए भगवान हमें साथ दे रहा हो वो स्वयं हमसे मिलन के लिए ऑफर कर रहा हो उसने स्वयं कदम कदम पर हमें साथ और सहयोग देने का वायदा किया हो तब हमें इस जीवन में कितना फायदा उठा लेना चाहिए उसके इस ऑफर का उसके सहयोग का तो यह बहुत सुंदर समय हमारे सामने है हम इस समय के महत्व को पहचाने ऐसा समय हम सब जानते हैं चारों युगों में दोबारा नहीं आता दो युग हम पुकारते रहेंगे भगवान के दर्शनों की केवल इच्छा किया करेंगे परंतु हमें यह कल्पनाओं में भी नहीं होगा कि भगवान इस तरह हमारे सामने उपस्थित होगा और हम इस तरह उसके इतने समीप आ जाएंगे कि वो हमारा और हम उसके हो जाएंगे उसका हम पर और हमारा उस पर अधिकार हो जाएगा तो ऐसे सुंदर अवसर का हम बुद्धिमानी पूर्वक लाभ उठाएं हम ऐसा कहेंगे कि इस संगम युग पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस मिले हुए चांस का जो द्वार पर आए हुए भाग्य का संपूर्ण लाभ उठाए अगर ये समय ऐसे ही व्यतीत हो गया तो आने वाले समय में दूसरे लोग हमारी तकदीर पर हमारी बुद्धि पर अवश्य हंसा करेंगे ये कहकर क्या अगर तुम्हारे स्थान पर हम होते तुम कहते हो हमें दस साल पहले भगवान मिल गया था हम बीस साल भगवान की पालना में पले वो कहेंगे अवश्य अगर हमने कुछ न प्राप्त किया तो वो हमें हमारे भाग्य को देखकर बार बार कहेंगे कि तुम्हारी जगह अगर हम होते तो हम भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लेते हम उससे इतना सब कुछ प्राप्त कर लेते कि पूरे चौरासी जन्म पूरा कल्प हमें और कुछ भी करने की जरूरत न रहती लोग हंसेंगे और तब हमें बहुत पश्चाताप होगा के हाथ में आया हुआ समय हमने व्यतीत कर दिया द्वार पर आए हुए भगवान के महत्व को हमने नहीं सोचा इतनी सरल और सुंदर योग अभ्यास की विधि हमें प्राप्त थी भाग निर्माण करने का ज्ञान हमारे पास था लेकिन हमने उसका भरपूर फायदा नहीं उठाया तो मैं आप सभी से कहूंगा के इस संगम युग के महानतम समय पर अंतर्मुखी बनकर बुद्धिमानी पूर्वक स्वयं से बात करें कि जिन समस्याओं में और जिन कार्यों में जिन जिम्मेदारियों में हम उलझे हुए हैं क्या उनमें उलझाव जरूरी है जबकि बाबा रोज कह चुके हैं कि अपनी सब उलझने अपने सारे बोझ मुझे दे दो हल्के हो जाओ भगवान कह रहा हो कि अपना सारा बोझ अपनी सारी चिंताएं मेरे अर्पण कर दो तो हमें चिंतित होने की कहा आवश्यकता है जिनका बोझ उठाने के लिए स्वयं भगवान तत्पर हो वो अगर स्वयं बोझ हिल होकर जी रहे हों तो संसार उन्हें बुद्धिमान कैसे कहेगा तो विचार करें आज से अभी से अपने सारे बोझ उसको समर्पित कर दें जो सारे संसार के बोझ हरने वाला है और उसमें विश्वास रखें कि उसका साथ होने पर हमारा कुछ भी अहित नहीं होगा कमजोरी मनुष्य के मन में यही आती है कि वो समर्पण करने के साथ साथ उसमें संपूर्ण विश्वास नहीं रख पाता और अनेक तरह के व्यर्थ संकल्पों से अनेक तरह के व्यर्थ प्रश्नों से स्वयं को बार बार बोझिल कर लेता है पर सोचने की बात है जिसका बाप ही सर्वशक्तिवान हो जिसका बाप भाग्य विधाता हो जिसका बाप सारे संसार का रक्षक हो जिसका बाप सारे संसार की चिंताओं को हरने वाला हो जिसका बाप बिगड़ी को बनाने वाला हो वो भला चिंतित और परेशान क्यों इसलिए सारे बोझ उस कर दे दो बाबा पर समर्पित कर दो बाबा कहा करते हैं कि बाबा देखता है कि बच्चे न तो अपने बोझ उठा सकते और न समर्पित करना जानते हैं बीच में उलझ गए हैं उठाने की भी शक्ति नहीं इसलिए या तो हमें इतना शक्तिशाली स्वयं को बनाना है कि हम अपने और दूसरों के भी बोझ उठा सकें और सारी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए हल्के होकर इस जीवन का आनंद ले सकें परंतु अगर हमारे पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं, तो हमें चाहिए अपने सारे बोझ सर्वशक्तिवान के हवाले करके इस जीवन का आनंद लें ये जीवन अब आनंद के लिए है जिसने इस संगम युग पर आनंद न लिया उसको बाकी चौरासी जन आनंद की कामना करना व्यर्थ है उसके लिए कभी भी वैसा संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसकी वो कामना करता है बाबा ने अभी अभी कहा है सबको याद होगा कि जो संगम युग पर संतुष्ट न हुए वो चारों युगों में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे सोचने की बात है भगवान से भी अगर कोई तृप्त न हो तो भला वो और कहां तृप्त होंगे भगवान जब सामने आकर सब कुछ दे रहा हो उतना दे रहा हो जितना हमने मांगा भी नहीं था उतना ज्यादा दे रहा हो जिसकी हम हम हमारे पास कल्पनाएं भी नहीं थी उसे पाकर उससे सब अधिकार पाकर भी अगर कोई संतुष्ट न हो तृप्त न हो तो भला मनुष्यों से कोई संतुष्ट कैसे होगा हमसे जब कोई पूछते हैं कोई आते हैं अपनी समस्या लेकर और कहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं है या हम इस जीवन में संतुष्ट नहीं है तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं और यही कहता हूं कि क्या तुम भगवान से संतुष्ट हो अगर तुम भगवान को पाकर संतुष्ट नहीं हुए अगर तुम उसके वरदान पाकर संतुष्ट नहीं हुए अगर हजारों बार उसको देखकर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो मनुष्यों से तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकोगे भगवान जिनको संतुष्ट न कर पाए तो मनुष्य उसे कैसे संतुष्ट कर पाएंगे नहीं? मैं तो हंसी में कहता हूं कि भगवान भी सोचता होगा कि मैं भी इन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया और कौन इन्हें संतुष्ट करे क्या करूं और इनके लिए भगवान को भी लज्जा आती होगी जब वो अपने बच्चों को असंतुष्ट देखता हो किसी राजा का बच्चा असंतुष्ट हो किसी राजा का बच्चा भिखारी बनकर गलियों में भीख मांगता फिरता हो तो राजा को तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी भगवान के बच्चे पुकार रहे हों भयभीत हों चिंताओं में हों बहुत से दबे हुए हों इधर उधर देख रहे हों, प्यासी नजरों से कभी यहां देखते हो कभी वहां देखते हो कभी इसके पास जाते हो कभी उसके पास जाते हो तो सोचने की बात है भगवान को भी अवश्य विचार होगा लज्जा आएगी और अगर कोई दूसरा भगवान के पास जाए तो अवश्य कहेगा पहले अपनों को तो संतुष्ट करो तो बाबा हम सभी को सब कुछ दे रहा है तो इस में इस तरह अंतर्मुखी होकर योग अभ्यास के साथ स्वयं से बात करनी है और इस तरह स्वयं से बात करते करते अपने विचारों को महान बनाना है क्योंकि विचारों की महानता जीवन को आनंदित करने वाली है छोटे विचार हद के विचार मनुष्य को समस्याओं में उलझा देते हैं अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं छोटे विचार स्वार्थ से प्रेरित होकर उठते हैं और जहाँ मनुष्य के जीवन में स्वार्थ होता है वहां उसकी उन्नति उसके जीवन की अलौकिक दिव्यता उसकी महानता लोप हो जाती है स्वार्थ एक बहुत बड़ी दीवार है अनेकों के मन में बुद्धि में स्वार्थ की भावनाएं छुपी हैं छुपी रहती हैं इसलिए उन्हें अपने जीवन में प्रोग्रेस का अनुभव नहीं होता इसलिए इस भट्टी में बैठकर सभी विशेष रूप से अपने स्वार्थ और अपने मैंपन और अहम भाव को अवश्य चेक करें क्योंकि जब तक ये तीनों चीजें हैं तब तक ज्ञान योग के पथ पर चलते हुए साधक मन चाहे उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात कही है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा स्वार्थ की है सबसे बड़ा विघन है स्वार्थ दूसरी बार कहा कि कर्मातीत अवस्था की समीपता की निशानी है निस्वार्थ भावना और निर्दोष दृष्टि जैसा मैंने पहले कहा कि आज तक हम दूसरों को देखते आए हैं अब स्वयं को देखना है बहुत देख लिया दूसरों को और ये एक बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है फिलोसॉफी ऑफ वाइब्रेशंस जिसको हम देखते हैं जो कुछ हम देखते हैं वो हमारे अंदर आने लगता है आत्मा की ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र है और उसमें भी कलयुग के अंत में आत्माएं बुराइयों को बहुत तेजी से ग्रहण करती हैं इसलिए जो कुछ भी देखते हैं उसका प्रभाव तुरंत मन और बुद्धि पर पड़ जाता है अगर हम सारा दिन दूसरों को देखते रहते हैं तो दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर हमारा मन और बुद्धि काम करती है आत्मा रूहानियत में इस तरह कभी भी स्थित नहीं हो सकती इसलिए बाबा ने कहा निस्वार्थ भावना और निर्दोष दृष्टि जब हम दूसरों को देखते हैं तो अवगुणी दृष्टि के बजाय इस संसार का हर प्राणी हमें निर्दोष दिखाई दे हमारा विवेक ये स्वीकार कर ले ज्ञान को प्राप्त करने के बाद के संसार में किसी का कोई भी दोष नहीं सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है एक का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट और कल्याणकारी है ऐसे ज्ञानी अगर हम बन जाएं, इसको महान ज्ञानी कहा जाएगा ताकि हमें संसार की हर आत्मा निर्दोष दिखाई दे मैं एक शब्द और जोड़ दूं इसके लिए इस संसार की हर आत्मा हमें प्रिय लगे कोई भी अप्रिय नहीं लगे मैं ऐसा सोचता हूं कि शिव बाबा ऊपर बैठकर जब इस संसार में अपने सभी बच्चों को देखता होगा तो क्या उसे किसी के लिए घृणा होती होगी होती होगी सब उसको प्रिय लगते हैं वास्तव में तो भगवान के लिए ये कहा गया कि न कोई उसे प्रिय न अप्रिय ये तो हुई एक फिलोसॉफी की बात परंतु उसे सब प्यारे लगते हैं सब अच्छे लगते हैं ये जानते हुए भी कि इनमें इतने इतने विकार आ गए हैं इतनी बुराइयाँ आ गई हैं ये मेरी विगलानी करते आ रहे हैं ये निरंतर पाप कर्मों में प्रवर्त रहे हैं इसके बाद भी उसे सब प्रिय लग रहे हैं क्यों कि उसको संपूर्ण ज्ञान है हमें भी उसने संपूर्ण ज्ञान दिया है और अगर हमें बाप समान बनना है तो उसका एक कदम यह भी है कि संसार की सभी आत्माएं हमें प्रिय लगें किसी के लिए भी हमारे मन में घृणा भाव न हो तो निस्वार्थ भावना को बढ़ाने के साथ अपनी दृष्टि को इस तरह विकसित करना है और साथ में मैंपन और अहम भाव से पूरी तरह मुक्त होने का संकल्प करना है इस भट्टी से बहुत सूक्ष्म गति है मैं पन की मनु जो कुछ करता है उसमें उसको कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूं मैंने किया है मैं ऐसा करूंगा यहां तक कि इसका बड़ा रॉयल स्वरूप मैंने ये पुरुषार्थ किया है मैंने इतना योग किया है मैं इतना योग करूंगा मैं ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करूंगा या मैं इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करूंगा मैं बाबा का नाम बाला करूंगा मैं इतने सेंटर खोलूंगा हालांकि ये सभी बहुत पॉजिटिव चिंतन है परंतु इसके पीछे अगर मैंपन की भावना है तो इससे अहंकार बढ़ता है और पुण्य का खाता कटने लगता है मैं हंसी में एक उदाहरण दिया करता हूं जो वास्तव में ही बहुत अच्छी तरह समझने का है और सत्य बात है एक विजन हम तैयार करें कि एक सेवा का महारथी बहुत अच्छी सेवाएं करके बाबा के पास पहुंचता है उसने बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं की कोई संदेह नहीं इसमें उसने बड़ी बड़ी सेवाएं की प्रशंसनीय कार्य किए हैं उसको इसकी बहुत खुशी है गर्व है वो बाबा के पास पहुंचता है वर्णन करता है कि बाबा मैंने ये किया ये किया उसको बहुत खुशी है अंदर से गर्व भी है और वो इस कामना से बाबा के पास जाता है कि बाबा भी कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मुझे करेंगे कुछ प्रशंसा के बोल बोलेंगे कम से कम शाबाश देंगे मेरी उमंग उत्साह बढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे संकल्प हैं ये भी इनको गलत संकल्प तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जब वो बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा मुस्कुराते हैं बहुत मीठे रूप से और सब बात सुन के धीरे से कह देते हैं कि बच्चे ये सब तो मैं कर रहा था तो क्या होगा तो अगर आत्मा में मैंपन होगा तो यह सुनते ही उमंग उत्साह ठंडा हो जाएगा इसलिए बाबा अभी यह नहीं कहता अभी तो बाबा से आवास देता है परंतु वास्तविकता यह है कि अच्छे पुरुषार्थियों का उमंग उत्साह प्रशंसा पर आधारित न हो कर्म करने के लिए उत्साह सेवाओं के लिए उत्साह पुरुषार्थ के लिए उत्साह प्रशंसा पर आधारित न हो अगर प्रशंसा पर आधारित है तो निंदा होते ही या यथार्थ रेस्पॉन्स न मिलने पर उमंग उत्साह ढीला पड़ जाता है तो हम सभी अपने उमंग उत्साह को कायम रखें इस तरह मैंपन और अहम पर हमारी अच्छी पकड़ हो जाए इस भट्टी में अंतरमुक्ता के साथ गहन चिंतन में जाकर एकांत का लाभ उठाते हुए स्वयं को इस तरह देखकर अपनी आंतरिक सफाई हम सभी करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी ने प्रश्न पूछा है कि उमंग उत्साह सदा कायम नहीं रहता थोड़े दिन रहता है चार्ट भी लिखते हैं थोड़ा दिन लिखा जाता है अच्छा चलता है थोड़े दिन के बाद कोई भी परिस्थिति आती है और चाट ढीला हो जाता है उमंग उत्साह ढीला हो जाता है या जब ठीक ठीक उन्नति नहीं होती अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता तब भी उमंग उत्साह कम हो जाता है या ऐसा भी होता है कि कोई उमंग उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है कोई किसी को एनकरेज नहीं कर रहा है माहौल में उमंग उत्साह नहीं है तो भी उमंग उत्साह ढीला हो जाता है इसमें सबसे बड़ी बात और प्रथम बात हमें याद रखनी चाहिए कि तो जो विजयी रतन है उनका उमंग उत्साह कभी ढीला नहीं होता उन्हें अपने उमंग उत्साह को तेज करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती भले ही हम रोज मुरली सुनते हैं क्लासेस सुनते हैं वही पर्याप्त होता है अपने उमंग उत्साह को फिर से सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए फिर भी हम सभी कलयुग के माहौल में रहते हैं सभी के चारों ओर कलयुग का ऐसा माहौल है जिसमें डिप्रेशन भरा हुआ है उदासी जो तनाव से संपूर्ण रूप से भरपूर है जहां आपस में मनुष्य का एक दूसरे में सहयोग नहीं है जहां मनुष्यों के चेहरों पर खुशी नहीं झलकती है ऐसे माहौल में उमंग उत्साह में स्वयं को रखना यह वास्तव में एक कला है कई देशों में हम देख सकते हैं अगर आप बाहर जाएं तो वहां के माहौल में डिप्रेशन दिखाई देगा अब न्यूजीलैंड में कभी जाएं ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो कई शहरों में सड़कों पर आप अगर निकलें तो उदासी का माहौल दिखाई देगा कोई किसी से बात नहीं करता है कोई किसी को देखता नहीं है कोई किसी को देखकर मुस्कुराता नहीं है सड़कों पर चलते ही नहीं है लोग कारों में तेजी से भाग रहे जैसे किसी का किससे कोई मतलब नहीं किसी का किससे कोई संबंध नहीं ऐसे में अपनी उमंगों को कायम रखना ऐसे माहौल में अपनी खुशी को कायम रखना वास्तव में एक कला तो है सर्वश्रेष्ठ कला कहेंगे इसे परंतु इसके लिए हमें कुछ चीजें अपने जीवन में निरंतर अपनानी है और उसमें पहली चीज है एकांत में स्वयं से वार्तालाप स्वयं के स्वयं टीचर बन जाएं और ऐसे संकल्प अपने अंदर रचें जिन संकल्पों के द्वारा स्वयं ही स्वयं को उमंग दिला सके जैसे भगवान आया है मुझे उससे सब कुछ प्राप्त कर लेना है संगम युग पर भाग्य निर्माण करने का श्रेष्ठ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है अब अगर मैं सबसे सुंदर भाग नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा जन्म जन्म इसी समय की तो हमें इंतजार थी जब यह समय हमारे सामने आ गया है तो मैं अब स्वयं को और कहीं नहीं उलझाऊंगा जहां सारा संसार उलझा हुआ है जिन कार्यों में सारा संसार लगा हुआ है वो अब सब मैं नहीं करूंगा मैं स्वयं को इन सब से मुक्त रखूंगा इस तरह एकांत में जाकर स्वयं के लक्ष्य को रिवाइज करें और अपने को अच्छे संकल्प देकर नशे में लाएं, उमंग उत्साह में लाएं। उमंग उत्साह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ईश्वरीय नशे से जिस आत्मा को ईश्वरीय नशे में लंबे समय रहने का अनुभव है उन्हें यह अनुभव होगा कि उमंग उत्साह कम नहीं होता नशा आत्मा को भरपूर रखता है बुद्धि को फुल रखता है और उमंग बढ़ता ही जाता है इस नशे के संबंध में एक बहुत अच्छी बात हमें याद रखनी चाहिए बीच में याद आ गई कि जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी बुद्धि में वरदानों को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है और वरदान में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की इतनी बड़ी शक्ति वरदान में तो ये एक सीक्वेंस हो गया क्रम हो गया हम लंबा समय नशे में रहें उमंग उत्साह कायम रहेगा वरदान ग्रहण हो जाएंगे और वरदानों की स्मृति से आग जैसी परिस्थितियों को हम शीतलता में बदल सकेंगे आग में तपती हुई आत्माओं के चित्त को हम शांत कर सकेंगे रोज हमें एकांत अवश्य लेना चाहिए हम स्टूडेंट भी हैं और योग अभ्यास करने वाले भी एक योगी को एकांत प्रकृति की समीपता जल की समीपता खुला माहौल इन सब की बहुत मदद मिलती है पानी के समीप जाकर आप अगर खड़े हो जाएं, तो आप पाएंगे मन में ऊंचे विचारों की लहर चलने लगी सागर के किनारे अगर आपके समीप कहीं सागर हो आप सागर के किनारे चले जाएं, तो आपके मन में सागर की तरह ही महान विचार क्रिएट होने लगेंगे प्रकृति के समीप आप पहुंच जाए जहां चारों ओर हरियाली हो तो आपका मन एक सुखद आनंद से भरपूर हो जाएगा अगर आपके पास ऐसे साधन हैं, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए एकांत में स्वचिंतन होता है एकांत में मनुष्य को स्वयं को देखने का मौका मिलता है इसलिए एकांत हम सभी साधना के राहियों के लिए बहुत ही आवश्यक है एकांत अमृत है कहा यह जाता है और ये सत्य है पापी मनुष्य के लिए एकांत श्राप है और ज्ञानी आत्माओं के लिए एकांत वरदान है एकांत का संपूर्ण फायदा उठाने के लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है आप अगर एक दिन अंतर्मुखी रहें तो श्याम आते आते आपको एकांत खींचने लगेगा इस तरह एकांत में जाकर स्वयं से वार्तालाप करें कि बाबा ने मुझसे श्रेष्ठ कामनाएं रखी हैं, बाबा ने मुझ में उम्मीद रखी है कि बच्चे तुम्हें विश्व का कल्याण करना है तुम्हें इस सारे संसार में महान वाइब्रेशंस फैलाने हैं तुम्हें इस प्रकृति को शुद्ध करना है तुम्हें विनाश कार्यों को भी प्रेरित करना है तुम ही वास्तव में अपनी योग ज्वाला के द्वारा न केवल इस संसार का परिवर्तन करोगे बल्कि अनेक आत्माओं के विकर्मों को भी विनाश करोगे मुझे इतने बड़े बड़े कार्य करने हैं अगर मैं अलबेला रहूंगा तो इतने बड़े कार्य कैसे पूर्ण करूंगा इस तरह स्वयं से वार्तालाप करें मुझे भगवान की उम्मीदों को पूर्ण करना है अगर इस संगम युग पर मैं भगवान की कामनाओं को पूर्ण कर सका तो जन्म जन्म भक्ति में भगवान हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण कर भगवान की कामनाएं पूर्ण करनी है हमें हम पूर्वज आत्माए हैं सारे संसार को देना है ऐसा सुंदर समय हमारे सामने आ रहा है जिसमें संसार की अनेक आत्माएं भिखारी बनकर हमारे द्वार पर आएंगी चाहे वो हमारे द्वार पर न भी आए उनकी पुकार हमारे कानों में कानों में नहीं बल्कि हमारी बुद्धि को टच करेगी और हमें विवश करेगी कि उनकी कामनाओं को हम पूर्ण करें क्योंकि हम उनके इस देव हैं तो हमें स्वयं को तैयार करना है ताकि हम आने वाले समय में भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें परिस्थितियों में मनुष्यों को मदद कर सकें उन्हें सहारे का अनुभव कर सकें इस तरह के लक्ष्य को बनाकर हमें अपने पुरुषार्थ को तेज करना है याद रखना है जहां दृढ़ता है वहां न केवल सफलता है ये तो एक बहुत सुंदर महावाक बाबा का है ही जहां दृढ़ता है वहां बाप दादा साथ है और जहां बाप दादा साथ है वहां सहलता है तो इस तरह ये स्वयं को उमंग उत्साह में रखने की विधि है और इस कला को हमें विकसित करते चलना है मैं एक बात इसमें और जोड़ दूं कि आप अगर एक समय निश्चित कर लें अपनी दिनचर्या में जब आप एकांत में जाकर इस तरह स्वचिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि वो समय आपको खींचने लगेगा और उस समय पर ऐसे श्रेष्ठ संकल्प आपके मन में उठने लगेंगे और उमंग उत्साह दिनों दिन बढ़ता जाएगा रही बात परिस्थितियों और विघ्नों की जो हमारे उमंग उत्साह को ठंडा कर देता है हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि संसार में रहते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए परिस्थितियां तो आएंगी ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते वो आनी हैं। हमें उनको स्वीकार करना है जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तब उनको पार करना सहज हो जाता है अगर हम ये सोचने लगते हैं ये क्यों हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा हमारे साथ है बाबा हमें मदद क्यों नहीं कर रहा है तो हमारा मनोबल छीन पड़ जाता है और हम समस्याओं से घिर कर उंग उमंग उत्साह को खो बैठते हैं तो जो कुछ आ रहा है और हमें जानना चाहिए कि बहुत कुछ आएगा हम अगर आने वाले पांच सात सालों का एक विजन तैयार करें तो हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा समय आएगा जो अभी तक हमारे सोच में भी नहीं है जो संसार के किसी मनुष्य की कल्पना में नहीं है ऐसी परिस्थितियों से हम सभी को गुजरना पड़ेगा और उनको स्वीकार करने की बजाय और कोई तरीका मनुष्य के पास नहीं होगा इसलिए बाबा कहते हैं कि ये संसार एक सागर है विषय सागर कहें कलयुग संसार को जैसे सागर में निरंतर लहरें उठती रहती हैं वैसे इस विषय सागर में विघन और परिस्थितियों की लहरें भी निरंतर उठ रही हैं लेकिन एक होशियार नाविक एक चतुर तैराक लहरों में ही आनंद का अनुभव करता है एक ऐसे चतुर नाविक को लहरों से अपनी नाव खेकर ले जाने में गौरव का अनुभव होता है शक्तिशाली होने का अनुभव होता है एक तैराक ऐसी लहरों से सहज गुजरता हुआ अपने को शक्तिशाली बना लेता है अनुभवी बना लेता है और उसकी खुशी भी निरंतर बढ़ती रहती है इस संसार में विघ्नों और परिस्थितियों की लहरों को हम चैलेंज मानकर स्वीकार कर लें और साहसपूर्वक उनका सामना करें अपने मन को इस तरह तैयार करें कि ये सब तो आएंगी ही और ज्यादा आएंगी जिनको हमने चैलेंज दिया है वो और शक्तिशाली बनकर हमारे सामने आएंगी युद्ध में या कुश्ती बॉक्सिंग में जब एक पहलवान दूसरे को चैलेंज कर देता है तो दूसरा शक्ति से शक्तिशाली पहलवान चैलेंज को स्वीकार करके सामने आता है हमने माया को चैलेंज किया है हमने समस्या और परिस्थितियों को भी चैलेंज किया है तो वो शक्तिशाली रूप धारण करके तो हमारे सामने आएंगी ही परंतु तब हमें सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक ज्ञान युक्त होकर स्वयं की स्थिति को विष्णु समान बनाना है जैसे विष्णु दिखाया है चित्रों में से सैया पर सागर में बहुत आराम से लेटा हुआ है सागर की लहरें उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं वो अपने में मग्न है दिखाया है कि विष्णु गीता ज्ञान में मग्न है विश्राम कर रहा है तो ऐसी स्थिति जब हम गीता ज्ञान में मग्न हो जाएं जब हमारे ऊपर ये विघ्न और परिस्थिति कोई असर न करे ऐसी विष्णु समान स्थिति हमें बनानी है तो जब ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाएं, तो पूर्वक दो चीजें याद करते हुए हमें इन परिस्थितियों से पार हो जाना है एक मेरे साथ कौन है जिनका साथ सर्वशक्तिवान दे रहा हो परिस्थितियां और विघन उनके लिए खेल हैं दूसरा मैं स्वयं कौन हूं मैं शक्तिशाली या परिस्थितियां शक्तिशाली क्या उत्तर मिलेगा मैं शक्तिशाली तो मैं भी शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान और मेरा साथी भी सर्वशक्तिवान तो जहां दो सबसे बड़ी शक्तियां साथ हो वहां विघ्न और परिस्थितियां क्या कर सकती हैं इस तरह अगर विघ्न परिस्थितियों का हम सामना करेंगे तो ये सभी हमारी शक्तियों को और अनुभवों को बढ़ाने वाली होंगी और इससे हमारा उमंग उत्साह और बढ़ता जाएगा इसके साथ यह ध्यान अवश्य रखना है कि जब विघन और परिस्थितियां जीवन को घेरने लगे तो दो चीजें मजबूती से अपने साथ रखनी चाहिए एक सवेरे उठकर योग अभ्यास करना दूसरा मुरली सुनना प्राय लोग ये करते हैं परिस्थिति आई तो सबसे पहले इन दो चीजों को मिस कर देते हैं बहन जी भी अगर पूछती हैं कि भाई आजकल क्लास में नहीं आ रहे तो उत्तर देते हैं बहन जी थोड़ी समस्याएं आ गई हैं ये भूल जाते हैं कि जहां समस्याओं की दवाई मिल रही है वहीं नहीं जा रहे हैं तो समाधान कैसे प्राप्त होगा बाबा ने कहा कि बाबा सवेरे बच्चों को उनकी परिस्थितियों का हल टच करता है अगर बुद्धि की लाइन को क्लियर करके बैठेंगे तो समस्याओं का समाधान टच हो जाएगा तो अपनी उमंग उत्साह को कायम रखने के लिए अमृत वेले अधिकारी बनकर बैठना बाबा के साथ का अनुभव करना रोज मिलन का अनुभव करना और मुरली से रस ग्रहण करना मुरली से समाधान प्राप्त करना यह बहुत आवश्यक है इसके साथ साथ सदा ही उमंग उत्साह बना रहे इस भट्टी से आप ये भी सीख लेंगे कि अपने लिए एक ऐसा चार्ट तैयार करेंगे जो निरंतर आत्मा को नए नए अनुभव कराता रहे हर एक अपना अपना चार्ट स्वयं बनाएंगे चार्ट लिखने में सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि सभी एक चार्ट लिखना चाहते हैं सदा एक ही चार्ट लिखना चाहते हैं लंबा चार्ट दिया जाता है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पंद्रह पंद्रह दिन का चार्ट तीन तीन पॉइंट्स में बनाएं और स्वयं बनाएं, क्योंकि हर मनुष्य स्वयं को स्वयं ज्यादा अच्छी तरह जानता है हम जो चार्ट आपको दे देंगे वो एक जनरल होगा हो सकता है उसमें से चार पांच बातें आपके काम की ना हो हो सकता उसमें से कोई अवगुण आप में हो ही ना हो सकता उसमें कोई ऐसा पुरुषार्थ हो जो आप कर ही ना सकते हो इसलिए जो कुछ आप कर सकते हैं अपनी दिनचर्या के अनुसार अपनी स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार उसके अनुकूल एक चार्ट आप बनाए तीन पॉइंट का और पंद्रह दिन में उसको बदलते रहें तो नई नई पॉइंट्स आती रहेंगी नया उमंग रहेगा सदा क्रिएटिव एनर्जी बढ़ेगी कुछ क्रिएट करने का अभ्यास हो जाएगा और कभी भी इसमें बोरियत प्राप्त नहीं होगी इस तरह अपने उमंग उत्साह को सदा ही कायम रखना है अब हम आप सभी को तैयार कर देते हैं भट्टी के लिए भक्ति में हम सभी ने भगवान को क्या कहा था कि हे भगवान जब तुम आओगे हम बलि चढ़ जाएंगे और भी कुछ तो कहा था कि जब तुम आओ हमें अपना बना लेना क्योंकि हमने सुना था कि भगवान आए थे श्री कृष्ण के रूप में कुछ थोड़े से गोप गोपियों को पहले उसने अपना साथी बनाया था और उन्होंने बचपन के रूप में उसके साथ का संपूर्ण आनंद प्राप्त किया हम सब भी सोचते होंगे अवश्य भक्ति में कि गोप गोपियों ने ही क्या पुण्य किए थे जो भगवान के साथ इस तरह रहने का भाग मिला तो हम कहते थे कि हे भगवान दोबारा जब कभी आ जाओ इस धरती पर आओगे तो तुम जरूर क्योंकि तुमने वायदा किया हुआ है हमारी पुकार तुम्हें खींचकर नीचे तो अवश्य लाएगी या हमारा प्यार तुम्हें आकाश सिंहासन से नीचे तो अवश्य उतारेगा तो जब कभी तुम दोबारा आओ इस धरती पर तो हमें भी अपना संदेश देना हमें भी स्वीकार कर लेना हो सके तो हमें भी अपने साथ रख लेना हम भी आपके साथ का आनंद लेकर देखेंगे तो बाबा आ गया है और याद दिलाता है कि तुमने तो केवल इतना कहा था कि हमें अपना बना लेना मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तुम सब मेरे हो भगवान सामने बैठ कर कह देता है तुम सब मेरे हो लेकिन मैंने वो सब कर दिया जो तुमने मांगा नहीं था कि मैं भी तुम्हारा हूं हम इस अधिकार को फील करें समा लें इस अधिकार को अपने अंदर कि भगवान हमारा है कभी सोचा ही नहीं था संसार में किसी को कहना भी नहीं आएगा कि भगवान हमारा है तो बाबा एक चीज याद दिलाते हैं मैं वो याद दिला देता हूं आपको बाबा ने अव्यक्त में भी याद दिलाया एक बार कि तुम भक्ति में भजन गाते थे कि हे प्रभु भगवान के लिए प्रसिद्ध है कि बहुत देर लगाता है सुनता तो है आता तो है और बहुत देर लगाता है हम कब से तुम्हें बुला रहे हैं बहुत देर लगाता है। एक बार तुम आ जाओ फिर गिन गिन के हिसाब लेंगे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें तो बाबा कहता है मैं आ गया हूं हिसाब पूरा कर लो कितनी नशे की बात है उसके साथ रहने का भी भाग उसने दे दिया और यह भी कह दिया कि मुझसे जो चाहे ले लो तो भगवान हमारा हो गया है मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा कि अगर आपका बाप लौकिक बाप या भाई या कोई मित्र संबंधी कल चुनाव जीत कर एम बन जाए और उसको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाए देश का जैसे आजकल चुन रहे ना किसी का भी नंबर लग जाता है किसी का भी भाग खुल जाता है तो कहीं आपके बाप का कल भाग खुल जाए और जिस क्षण आपको पता चलेगा कि हमारे पिताजी भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं क्या हो जाएगा उस क्षम से नशा चढ़ जाएगा पैर धरती को नहीं छुएंगे अब फरिश्ते बन जाएंगे वैसे बिना पुरुषार्थ के अब कोई हमारा क्या करेगा निश्चिंता आ जाएगी डर खत्म हो जाएगा और प्लान बनाने लगेंगे अनेक संस्कार भी बदल जाएंगे बोल बदल जाएगा बोलने का तरीका व्यवहार का तरीका बदल जाएगा उसमें नशा आ जाएगा आजकल अहंकार आ जाएगा लेकिन नशा आ जाएगा उसमें और मैं तो कहा करता हूं कि आप अपने पड़ोसियों को भी कहेंगे कहेंगे ना कि हमारे पप्पा प्राइम मिनिस्टर बन गए सुना तुमने अगर तुम्हें भी कुछ काम पड़े जरूरत पड़ जाए तो मुझे बताना अब कोई दिक्कत नहीं तो मैं अपने से पूछा करता हूं और आप भी सब अपने से पूछ लें कि भगवान हमारा है हमारा बाप भगवान है इस तरह इसको सोचें, हमारा बाप भगवान है हमारा बाप सर्वशक्तिवान है हमारा बाप भाग्य विधाता है बिगड़ी को बनाने वाला है और वो हमारा है तो हम कह सकते हैं दूसरों को कि तुम्हारी अगर कोई बात बिगड़ जाए तो हमें बताना भगवान अपना ही है सब बिगड़ी हुई ठीक कर देगा और यह सब हो सकता है अगर हमें ऐसा ही नशा हो जाए ऐसी ही समीपता हो जाए उससे ऐसा ही उस पर अधिकार हो जाए हमारा यह अधिकार तो है बाप पर बच्चों का बच्चों पर बाप का अधिकार तो होता ही है परंतु बाबा इसमें एक चीज हमें याद दिलाते हैं कि तुम बच्चों पर भी मेरा अधिकार है इसको भी पहचान लो ये जरा सूक्ष्म बात है अधिकार है तो मैं तुम्हें जो चाहे कह सकता हूं जहां चाहे जाने के लिए कह सकता हूं मेरी आज्ञा को तुम्हें सहज भाव से पालन करना है मेरा तुम पर अधिकार है मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा न तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी है मैं तुम्हें कहूंगा ये करो तुम मुझे कहोगे ये करो अधिकार में दोनों बंध जाएंगे ये अधिकार बहुत बड़ा प्यार भी है इसमें बहुत बड़ा प्यार भी समाया हुआ है तो हम इस अधिकार को आगे बढ़ाएं इस भट्टी में विशेष रूप से सभी चिंतन कर लें भगवान पर हमारा अधिकार उसने कह दिया है कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा बस याद करो और मैं हाजिर हूं हजूर हाजिर है भगवान कितनी बड़ी बात कह रहा अपने बच्चों को कि तुम मेरे बच्चे मेरे मालिक हो आज तक तुम मुझे कहते रहे हे भगवान तुम हमारे मालिक हो और अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम बच्चे मेरे मालिक हो तुम तो मालिक मुझे जब भी याद करोगे जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा कितना सुंदर अनुभव होगा इस चीज से सभी अपने जीवन में इस अनुभव की ओर बढ़ें पहले अधिकार पर चिंतन करें कौन अधिकार रख सकता है बाप पर लौकिक में भी किस बच्चे का अधिकार हो जाता है माँ बाप पर सबका नहीं होता फ्रेंड पर भी अधिकार हो जाता जहां फ्रेंडशिप बहुत समीप होती है वहां अधिकार हो जाता है अधिकार से एक दूसरे को सब कुछ कहने लगते हैं तो हम इस अधिकार को कैसे बढ़ाएं कैसे इस अधिकार को प्राप्त करें इस पर बहुत अच्छी तरह चिंतन करना है ये स्वचिंतन की बात है और बड़े गहन चिंतन की बात है हम उसके दिल को इतना जीत लें उसके प्यार को इतना जीत लें उसकी भावनाओं को इतना जीत लें कि वो हमारा हो जाए बांध लें हम उसको अपने प्यार में यह है उस पर अधिकार रखने की विधि इसमें केवल हमारा विवेक काम नहीं करेगा विवेक के साथ चाहिए विवेक के साथ चाहिए भावनाएं दिल का प्यार और भावनाएं इसीलिए देखा भी जाता है और बाबा ने भी कहा कि अनेक माताएं और कन्याएं अपने प्यार में भगवान को बांध लेती हैं भाई भी बांध सकते हैं लेकिन भाई जरा विवेक का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं इसलिए उसको बांधना जरा कठिन हो जाता है नहीं? जो सागर है उसको विवेक के द्वारा तो नहीं बांधा जा सकता लेकिन वो प्यार और भावनाओं में बंधकर अवश्य खींचा चला आता है तो इस प्यार से हम इस अधिकार को बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं इस चिंतन को तो उसकी सर्व शक्तियों पर भी हमारा अधिकार है उसकी शक्तियां हमारी हैं हमें कुछ भी मांगना नहीं है हमें सोचना नहीं है कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है समस्याओं को सामना करने की शक्ति नहीं है हम कुछ समा नहीं सकते हैं हम विस्तार को समेट नहीं सकते हैं ये ना सोच के अब ये सोचें कि इन सभी शक्तियों पर तो हमारा अधिकार है हम क्यों नहीं समेट सकते कितना भी विस्तार हो हमें बाबा ने सर्व शक्तियां वरदान में दे दी हैं हम क्षण भर में सब कुछ समेट सकते हैं इस अधिकार की स्मृति से हम पाएंगे कि हमारी समेटने की शक्ति काम करने लगेगी ऐसे ही सामना करना जब हमें पड़े तो हम याद कर लें कि हमें तो सामना करने की शक्ति बाबा ने दे दी है वो शक्ति हमारे पास है इस तरह शक्तियों पर अधिकार का अनुभव हम अपने जीवन में बढ़ाते चले तो बाबा हमारे द्वार पर आया है हमारा बनकर आया है ये सबसे बड़ा नशा कि भगवान को हम अपना कह सकते हैं उसने हमें अपना बना लिया है और हमने उसे अपना बना लिया है जब भी हम उसका आह्वान करेंगे वो हमारे सामने हाजिर हो जाएगा तो चलो ये जीवन हमारा हम उसकी छत्र छाया में व्यतीत करें ऐसा सुंदर समय जो पूरे कल्प में हमारे पास नहीं आएगा जिस समय की हमें इंतजार करनी पड़ेगी ऐसा सुंदर समय अपने सामने देखते हुए हम अपनी सभी उलझनों को बाबा पर समर्पित करके अपने सभी विस्तार को पूर्वक समेट कर ईश्वरीय छत्र छाया का संपूर्ण सुख लें बाबा के ये शब्द याद कर लें समय अनुसार ये शब्द बहुत सुंदर हैं कि बच्चे समय तुम्हारी इंतजार कर रहा है मैंने एक स्लोगन लिखा था अभी कि आवाज से दूर खड़ी हुई तुम्हारी संपूर्ण स्थिति हाथ में विजय माला लेकर तुम्हारा आह्वान कर रही है आ जाओ जल्दी आ जाओ हम एक विजन बनाए कि समय एक मनुष्य रूप में समय सामने खड़ा है दूर हमसे और हमें बुला रहा है कि जल्दी आ जाओ मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं समय जिनका इंतजार कर रहा हो ऐसी महान आत्माएं हम सब हैं संसार में तो कहावत है टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन समय किसी का इंतजार नहीं करता पर कौन है वो संसार की महान आत्माएं जिन्होंने समय को रोक लिया है समय जिनकी इंतजार में खड़ा हो गया है समय आगे नहीं बढ़ रहा है तुम आ जाओ तो हम दोनों साथ बढ़ेंगे ऐसा समय किन को कह रहा है वो सब महान आत्माएं हम हैं तो हम सभी समय से पहले स्वयं को तैयार कर लें। और अगर हम समय से पहले स्वयं को तैयार ना कर पाए तो समय सदा ही तो हमारा इंतजार नहीं करता रहेगा समय की अपनी एक गति है जो कभी नहीं रुकती समय आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे बुद्धिमान हैं इस बात को सभी अपनी स्मृति में लाएं कि हमें दिव्य विवेक प्राप्त हुआ है बाबा से तो हम सभी बाबा के शब्दों में के बच्चे बीसों नाखूनों का जोर लगाओ विजयी रतन बनना है समय से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचता है पहुंचना है इन्हीं सब उमंग उत्साह के साथ हम सभी ये भट्टी करेंगे तो सभी मौन रखेंगे पूरा किसी को बोलना भी पड़े तो बहुत कम अंतर्मुक्ता के साथ स्वचिंतन में रहेंगे और इन तीन दिनों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे इतना सब कुछ सीख लेंगे जो जीवन भर काम आए ओम जानते